नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 1 BHK फ्लैट लेके आए हैं। टॉप फ्लोर पे ये फ्लैट होने वाला है। इसके अंदर लिफ्ट नहीं है, स्टेयरकेस आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट फ्लैट की जो लोकेशन है और जिस तरह का ये फ्लैट बना हुआ है बहुत खूबसूरत फ्लैट है। सामने की तरफ पहले आप व्यू देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन व्यू मिलेगा आपको। लोकेशन की बात करते हैं, द्वारका सेक्टर 7 लोकेशन होने वाली है ये। सोसाइटी का 1 BHK फ्लैट है। यहाँ पे आपको कार पार्किंग की सुविधा मिल जाती है, IGL गैस पाइपलाइन मिल जाती है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिल जाता है, कार की पार्किंग मिल जाती है और सोसाइटी के अंदर 2 बड़े बड़े पार्क मिल जाते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सबसे नियरेस्ट मेट्रो हमें मिलती है सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन, जहाँ जाने के लिए आपको सोसाइटी के गेट से बाहर निकलना होगा और ई रिक्शा लेना होगा, दैट्स ऑल। इस फ्लैट का जो साइज़ है अपने आप में बहुत अच्छा साइज़ है, 1 BHK होने के बावजूद आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। और ये है हमारा टॉप फ्लोर। अब इसके बाद में आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए, उसके बाद पार्क और पार्किंग के शॉट्स देखिए, उसके बाद भी कोई सवाल रह जाए तो ये रहा फ्लैट कोड, इसे लेके हमें कॉल कीजिए। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट BRS शो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। मैं मिलता हूँ आपसे सिनेमैटिक्स के बाद में पूरे फ्लैट के ओवरव्यू के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सोसाइटी के अंदर आपको 2 बहुत ही अच्छे बड़े साइज़ के अंदर पार्क मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों खेलने के लिए झूले भी इसके अंदर लगे हुए हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, और सामने की तरफ आपको एक बहुत बड़े साइज़ के अंदर एक और पार्क मिल जाता है, जहाँ से आप सोसाइटी के अंदर जो प्रेमिसेस के अंदर हमारा जो टेम्पल है वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये होने वाला है स्टेयरकेस, जिससे आप अपने फ्लैट में दाखिल होंगे। ये फ्लैट 4th फ्लोर पे है, यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं मिल रही है, आप इस स्टेयरकेस का यूज़ करके आ सकते हैं। ग्राउंड प्लस 4 की कॉन्फ़िगरेशन है इस वाले फ्लैट के अंदर। इसके ऊपर टेरेस है जो कि कॉमन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंडिपेंडेंट यूनिट रहने वाली है, सिंगल फ्लोर पे सिंगल फ्लैट रहेगा। ये होने वाला है आपका फ्लैट का एंट्रेंस। एंट्रेंस करने के बाद मैं आपको फ्लैट का प्लान बता देता हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेन आपका बेडरूम रहेगा, उसके बाद जो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में आप रूम देख रहे हैं, आप इसको चाहें तो लिविंग एरिया बना सकते हैं या फिर चाहे अपना हॉल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये आपकी बहुत अच्छे साइज़ के अंदर एक किचन होने वाली है। राइट हैंड साइड एंटर करते ही आपको एक बढ़िया सा वॉशरूम मिलने वाला है, और यहाँ से सामने की तरफ हमें वो बालकनी मिलती है जहाँ पे आपने ओपनिंग का शॉट देखा था। आपको पूरे फ्लोर का प्लान बता दिया, मैं आपको सारी चीज़ों के डायमेंशन बता देता हूँ और फ्लैट का वॉक थ्रू दे देता हूँ। सबसे पहले वॉशरूम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस वॉशरूम के लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई होने वाली है इसकी 9 फीट। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न स्टाइल सीट लग के मिल रही है। शार देखिए, बहुत अच्छे साइज़ का शार मिल रहा है, बहुत लाइट कलर में है। वॉल टू वॉल टाइल्स मिल रही हैं। यहाँ पे आपका डाइवर्टर लगा हुआ है, सारे का सारा फिटिंग्स एंड ऑल लगा हुआ है। इधर की तरफ आप देखेंगे खूबसूरत सा वॉश बेसिन लगा हुआ है। चौड़ाई की शायद मैं बात करना भूल गया, चौड़ाई आपको 4 फीट की मिल रही है। लाइट्स एंड ऑल सारी चीज़ें इंस्टॉल मिलेगी, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ से हम दाखिल होंगे अपने किचन वाले पार्ट के अंदर। तो किचन वाले पार्ट के हम अगर साइज़ की बात करते हैं तो दोस्तों साइज़ आपको मिलने वाला है 10x11 के साइज़ में। इस तरह की आइलैंड आपको मिल रही है इस छोटे से फ्लैट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिटिंग्स की, तो हमें सारी की सारी मॉड्यूलर फिटिंग्स लग के मिलने वाली है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इस तरह आपको SS की फिटिंग्स मिलेंगी, प्रॉपर एग्जॉस्ट बंद कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जॉस्ट आपने देख लिया सामने की तरफ लगा हुआ है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया हवा आ रही है यहाँ से, ऑलरेडी मैं फील कर सकता हूँ इस चीज़ को। टॉप फ्लोर होने के कुछ बेनिफिट्स कुछ नुकसान होते हैं, तो बेनिफिट्स ये होने वाला है, नुकसान आपको पता है कभी कभार गर्मी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे आप देखेंगे कैबिनेट एंड ऑल आपको सारा लग के मिल रहा है, हाइड्रोलिक फिटिंग्स बढ़िया काम करा के दे रहे हैं ओनर। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू सबसे बिल्कुल एकदम फर्स्ट एंट्री आपको मिलने वाली है इस फ्लैट के अंदर। साइज़ बहुत अमेजिंग है इस किचन का, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बताना चाहूँगा, साइज़ बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं अच्छा सा डिज़ाइन बना रखा है, खूबसूरत है। और मेरे राइट हैंड साइड की जो वॉल है इसको कंट्रास्ट वॉयलेट में पेंट किया गया है, वॉयलेट है पता नहीं मरून है लेकिन कुछ है डार्क सा कलर।
यहाँ पे आएंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। इस फ्लैट का जो यूएसपी है, इस फ्लैट का जो सबसे मेन पॉइंट था, मुझे इसकी बालकनी बहुत पसंद आई। सामने की तरफ आपको ग्रीन व्यू मिलता है और वो ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि जो नीचे वाली बिल्डिंग है वो ग्राउंड फ्लोर तक ही बनी हुई है, उसके ऊपर नहीं बनेगी। साइज़ की बात करते हैं तो ये साइज़ हमें मिलने वाला है 10x2.5 का। 2.5 फीट ये चौड़ी है, 10 फीट ये लंबी है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हो। आपको सॉकेट मिल रहा है 16 एम्पेयर का, जहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन का तार लग जाएगा। पानी आप इस टैप से लेके इसको वॉशिंग एरिया में तब्दील कर सकते हैं। ये वाली जो डोर है, इसके अंदर आपको मैश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रहा है। उससे क्या होगा, अगर आप इसको बंद करते हैं तो हवा आती रहेगी, मच्छर कीड़े इंसेक्ट वो सब नहीं आएगा आपके पास। ये होने वाला है हमारा मेन बेडरूम। इसको मैं मेन बेडरूम क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं लाइट ज़रा ऑन कर दूँ यहाँ की। तो देखिए, इस वाले बेडरूम की साइज़ बहुत अच्छा है। साइज़ की बात करते हैं तो 11x10 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर बढ़िया आपका बेड लग जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारा जगह आपका बचेगा। वेंटिलेशन अच्छी है, एसी को लगाने के लिए जगह दे रखी है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला आपका। इस तरफ एक अच्छे साइज़ के अंदर वार्डरोब बना के दे रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, अलमारी एंड ऑल लेके चलना पड़ता है, वो नहीं चलना पड़ेगा आपको। और इस तरफ टीवी पैनल भी बढ़िया साइज़ के अंदर बना के दिया। आप चाहो तो इसके अंदर बड़े आराम से 50 इंच तक का टीवी आपका लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स साइज़ वाला सीन नहीं है। और अगर ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो बढ़िया यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, फ़ैन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइट्स लगी हुई हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। आइए रहना शुरू कर दीजिए, इस तरह का ये फ्लैट है। और सबसे बढ़िया बात, फुल फर्निश होकर आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप इस रूम को या तो अपना लिविंग एरिया कंसीडर कर लीजिए या फिर अपना सेकंड बेडरूम कंसीडर कर लीजिए, दैट इज़ अप टू यू। बाकी लिविंग एरिया के रूप में बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टीवी पैनल इस वाले के अंदर भी हमें मिल रहा है, फ़ैन इस वाले के अंदर भी मिल रहा है। दीवारों के कलर की बात करते हैं, लाइट येलो कलर से पेंटेड वॉल्स है, और जो हमारी एक्सेंट वॉल्स है वो बिल्कुल डार्क येलो कलर से पेंटेड है, डिज्नी वाला येलो कलर है ये। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्लैट आज का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये फ्लैट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक फ्लैट कोड चमक रहा होगा, उस पर एक नंबर होगा आर के आगे, उस नंबर को लेके हमें कॉल कीजिए, इस फ्लैट को बुक कर लीजिए। बहुत दिनों तक नहीं बचने वाला है, जितनी जल्दी हो सकता है इस फ्लैट को बुक करके रख लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वाला फ्लैट पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।